ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। ठीक है, आप देख सकते हो अपने अकाउंट में 107 डॉलर्स है। ठीक, इसी 107 डॉलर्स को हम ग्रो करने वाले हैं, इधर कंपाउंड करने वाले हैं। इसको 100% या 99% पे इसको कंपाउंड करेंगे। मेरा जो टारगेट है वो 4 स्टेप तक करने का है, तो 3 से 4 स्टेप जो भी शेयर शॉट मिलेगा उसी को हम पकड़ लेंगे अपॉर्चुनिटी। ठीक है, और जैसे करंट वाला पेयर जो ओपन है इसी को टारगेट करने की मैं कोशिश करूँगा। इसी पेयर को टारगेट करके इसी पे 3-4 शेयर शॉट बैक टू बैक या जिस तरह से भी निकल सके निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक, और बाकी चीज़ें मैं आपको समझाता भी जाऊँगा। अब जैसे करंट वाली जो कैंडल है इसके बाद नेक्स्ट पे मैं रिवर्सल के लिए जाऊँगा, तो ये अपनी पहली स्टेप कंपाउंडिंग हो जाएगी। ठीक, ट्रेड अपनी 100% शेयर शॉर्ट जानी चाहिए, तो उसी हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। इधर मेरे हिसाब से थोड़ा सा ऊपर जाए तो मैं एंट्री बना लूँ, मतलब थोड़ा सा मार्जिनल लेके, तो थोड़ा बढ़िया रहेगा। ठीक, थोड़ा सा और हो जाए, ठीक है, तो फिर मैं एंट्री बनाऊँ। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा ऊपर चली जाए तो थोड़ा बेहतर हो। ठीक है, तो एंट्री बना ली, ये हो जाएगी अपनी पहले स्टेप कंपाउंडिंग। ठीक है, मैं सोच रहा था थोड़ा एक्स्ट्रा हो, थोड़ा ज़्यादा ऊपर चली जाए, लेकिन ये ऊपर जा नहीं रही थी तो मैं फिर ट्रेड लेने का टाइम एक्सपायर हो जाता, तो उससे ट्रेड अपनी छूट जाती। बट कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेड अपनी शॉर्ट शॉर्ट जानी चाहिए जो कि चली भी जाएगी। ठीक है, रिवर्सल यहाँ पे एक होना चाहिए और देख लेते हैं, फिलहाल तो लॉस में चल रही है बट ठीक, ये बढ़िया बेहतर। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना पहला स्टेप कंपाउंडिंग जो कि हो चुका है ऑलमोस्ट सक्सेसफुल, मतलब ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल हो चुकी है। ठीक है, इसको बहुत क्लियरली देख सकते हो, 2 रेड कैंडल ने मतलब जितना भी मतलब ऊपर बायर्स ने इसको मतलब खींच रखा था, 2 रेड कैंडल्स ने इसको रेड कैंडल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, 5 सेकेंड की, तो ये देखो ये हो गई अपनी रिवर्सल ट्रेड। और मार्जिनल से, मार्जिनल में इस वजह से थोड़ा सा ढूंढ रहा था इधर, क्योंकि आप देख सकते हो बहुत क्लियर, क्योंकि मुझे इधर रिजेक्शन टॉप से दिख रहा था, इसी वजह से मैं मार्जिनल देख रहा था कि जिससे कि बेहतर मतलब कंफर्मेशन हो जाती, 100% की श्योरिटी बन जाती है कि ट्रेड अपनी ज़बरदस्त वाली प्रॉफिटेबल है, श्योर शॉर्ट है। ठीक, तो इस वजह से मार्जिनल में देख रहा था और बहुत ज़्यादा नहीं मिला लेकिन थोड़ा सा मिला, तो कोई बात नहीं। अभी देखते हैं करंट वाली कैंडल कैसा अपना क्लोजिंग प्राइस हिट करती है, उसी हिसाब से मैं नेक्स्ट के लिए अपॉर्चुनिटी बनाऊंगा जो कि मैं सोच रहा हूँ कॉल डायरेक्शन के लिए। ठीक, ओके, ठीक है, तो एंट्री इधर बना ली, ये हो जाएगा अपना सेकेंड स्टेप कंपाउंडिंग। सेम पेयर को मैं टारगेट कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, तो सेम पेयर पे मार्केट जैसे जैसे चलता जाएगा हम उसको वैसे वैसे एनालिसिस करते जाएंगे। पेयर इसलिए नहीं चेंज कर रहा हूँ जिससे आप मार्केट के चलते हुए हर एक मूव को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, जिससे आपका थोड़ा सा लर्निंग का प्रोसेस बढ़ेगा। ठीक है, सेम पेयर को टारगेट करना बहुत इजी है, अदर देन जब आप डिफरेंट डिफरेंट पेयर्स को ढूंढते हो उधर मार्केट किस तरह से किस कंडीशंस में चल रहा है, वोलेटाइल है, स्टेबल है, क्या क्या है, तो वो सारी चीज़ें ढूंढने में, चेक करने में आपको उधर ज़्यादा समय जाता है और फिर उधर थोड़ा ट्रेडिंग टफ हो जाती है जब डिफरेंट डिफरेंट पेयर को टारगेट करना स्टार्ट करते हो आप। सेम पेयर को आप टारगेट कर सकते हो बहुत ईजिली, बहुत अच्छी तरीके से, अगर आप थोड़ा सा टाइम दोगे तो आपको चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो देख लो सेम पेयर को टारगेट कर रहा हूँ मैं और अपनी दूसरे स्टेप की कंपाउंडिंग एकदम सक्सेसफुल रही, बहुत क्लियर। ठीक है, और अच्छी खासी हेल्दी तरीके से सक्सेसफुल रही। अभी हम थोड़े से वेट करेंगे थर्ड स्टेप के लिए, तो यहाँ पे अपनी देख लो ये हो जाएगी, ये हो गई अपनी सेकेंड स्टेप। और अभी मुझे क्या लग रहा है कि शायद यहाँ से ये देखो, ठीक है, ये ऑलमोस्ट एक सेलिंग जोन है। ठीक, तो मेरे हिसाब से मार्केट इसके आसपास में आया है तो एक सेलिंग मूव इधर स्टार्ट होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो होना चाहिए। ठीक है, और ये देख लो 2 स्टेप में अपना अपडेटेड बैलेंस, ये 2 ट्रेड हो गई अपनी दोनों स्टेप की कंपाउंडिंग। ठीक है, तो अभी हम थोड़े से वेट करेंगे,
मेरे हिसाब से इधर एक सेलिंग मूव स्टार्ट होना चाहिए और उसी मूव को मैं टारगेट कर लूँगा अगर होता है, जो कि होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे इस वजह से कि जिससे दो स्टेप देखो अपनी हो चुका है कंप्लीट, दो स्टेप अपना कंप्लीट हो चुका, तो इस वजह से जल्दबाजी में नहीं कर रहा हूँ जिससे मेरी सारी मेहनत इधर ख़राब ना हो जाए। ठीक है, और लॉन्ग टर्म का ट्रेंड भी है डाउन के लिए, तो बढ़िया रहेगा, मतलब सेलर्स के फेवर में ट्रेड करना अच्छा रहेगा। अब जैसे करंट वाली कैंडल हेल्दी फॉर्म में क्लोज हो रही है, देन नेक्स्ट अगेन कंटिन्यूशन का 100% चांस बन जाएगा इधर। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं पुट के लिए ट्रेड करूँगा जो कि हो जाएगी अपनी थर्ड स्टेप कंपाउंडिंग। देखो कितना हेल्दी फॉर्म में ये क्लोजिंग प्राइस हिट कर रही है, और देखो उधर जैसे ही वो जोन के पास में आई, सेलिंग जोन के पास में आई, तो मेरे हिसाब से मार्केट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करना स्टार्ट कर देना चाहिए था। इसी वजह से मैंने अपना एनालिसिस आपको बताया और मार्केट उसको फॉलो भी कर रहा है, तो अच्छी बात है, इधर हमें अपॉर्चुनिटी फिर इजीली मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एंट्री ले लेता हूँ। ओके, ठीक, बढ़िया, बहुत बेहतर। ठीक है, ये हो जाएगी अपनी थर्ड स्टेप की कंपाउंडिंग। कितने टाइम, मतलब देख लो 5 से 6 मिनट या 4 से 5 मिनट लगा होगा, उतने में हमने 2 सेव शॉट ट्रेड निकाल ली, ये अपनी थर्ड हो जाएगी, जो कि ये भी सेव शॉट जानी चाहिए 100%, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगी अपनी थर्ड स्टेप कंपाउंडिंग, जो कि बहुत क्लियर सेव शॉट जानी चाहिए। ठीक, देख लो सेम पेयर पे, मतलब सेम पेयर को टारगेट करके मैं कितना इजी तरीके से इधर सेव शॉट निकाल रहा हूँ। ठीक है, कितना इजी तरीके से। और खैर रही बात मेरी, तो डिफरेंट डिफरेंट पेयर्स को भी बहुत इजीली और विद इन सेकेंड्स की एंट्री से मैं टारगेट करता हूँ। ठीक है, आपने मेरे बहुत सारे सेशंस में देखा होगा, तो मतलब मैं तो जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। मैं आप लोगों के लिए क्या बेहतर हो सकता है, या जो बिगिनर ट्रेडर्स देखते हैं उनके लिए क्या बेहतर हो सकता है, वो चीज़ें मैंने यहाँ पर एडवाइज़ किया। ठीक है, तो ये थर्ड स्टेप अपना कंप्लीट हो चुका। ठीक है, 3 ट्रेड हमने यहाँ पे कर लिए हैं, 3 थोड़े से ही टाइम में हमने 3 ट्रेड निकाल ली, ये हो जाएगी अपनी थर्ड वाली। ठीक, और ये ट्रेड थी अपनी पहली रिवर्सल, देन ये बायर्स के फेवर में और ये थर्ड। ठीक, 3 ट्रेड हमने इधर निकाल ली, तो अभी क्या चाहिए कि 4th ट्रेड एक और चाहिए, जो कि मिल सकती थी जस्ट नेक्स्ट पे। देखो सेलर्स की अच्छी कैंडल बन रही है, अगर इस इधर में एंट्री बना लेता तो सही हो जाता। ठीक है, तो यहीं पे अपनी 4 ट्रेड ख़त्म हो जाती, कितना इजी तरीके से अभी अपनी 4 स्टेप की कंपाउंडिंग कंप्लीट हो जाती। लेकिन थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, इस वजह से इधर लोचा हुआ। ठीक है, ठीक है, चलो अमाउंट चेंज करते हैं और फटाफट 4th स्टेप के लिए माहौल बनाते हैं, माहौल देखते हैं कि क्या मतलब होने वाला है उस हिसाब से। ओके, तो मुझे नहीं लगता अब सेलर्स इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इधर बाइंग कैंडल्स दिखना स्टार्ट हो सकती हैं, इस वजह से क्या करेंगे कि ये देखो कितना है, मतलब हैवी फॉर्म में, मतलब कितना पावरफुली देखो इधर बायर्स जो है इंटर किए हैं, है ना, ये जो करंट वाली कैंडल देखो कितना पावरफुली बन रही है, तो ये हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ठीक, हम 5 सेकंड में अभी चल के कन्फर्म करेंगे, फिर जाके हम ये 4th ट्रेड लेंगे, क्योंकि अगर इधर हमने कोई गलती कर दी ना, मतलब 4th ट्रेड पे अपनी, तो फिर अपने 3 स्टेप की सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी, टोटल वेस्ट। तो 6-7 मिनट जो भी इधर हमने खर्च किए सब वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, देखो मैं सेलर्स के फेवर में ट्रेड करूँगा। ठीक है, 4th अपनी ट्रेड, तो देख लेते हैं थोड़ा बेहतर एंट्री के लिए थोड़ा सा। ओके, ठीक, तो यहाँ पे मैंने ट्रेड ले लिया पुट डायरेक्शन के लिए, और ट्रेड अपनी बेहतरीन तरीके से प्रॉफिटेबल जानी चाहिए। ओके, आई थिंक थोड़ा अर्ली एंट्री नहीं हो गई अपनी, शायद मुझे लग रहा है कि 1.5 मिनट की ट्रेड तो नहीं हो गई, क्योंकि करंट वाली कैंडल आई थिंक अभी भी क्लोजिंग प्राइस हिट नहीं की है,
मतलब जो करंट वाली कैंडल चल रही थी वो तो बायर्स के फेवर में चली ही रही थी, तो मुझे लगा चलो ठीक है ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल जानी चाहिए जो कि माहौल तो बन रहा है, बट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अर्ली एंट्री हो गई है नहीं, मतलब काफ़ी पहले अर्ली एंट्री हो गई, इधर थोड़ा सा वेट करना चाहिए था। आई थिंक 1.5 मिनट की ट्रेड लग गई है श्योर, मुझे जो लग रहा है 1.5 मिनट की, क्योंकि करेंट वाली कैंडल क्लोजिंग प्राइस हिट नहीं कर पाई थी, उसके नियर बाई भी नहीं थी, और देखो एकदम आई थिंक मिडल में कहीं ट्रेड लगी है। ठीक है 1.5 मिनट की ट्रेड लग गई है। नेक्स्ट मैं सेलर्स के फेवर में देख रहा था, जो कि देख लो सेलिंग कैंडल बन भी रही है, अच्छी खासी सेलिंग कैंडल बन रही है, और इस हिसाब से बनी तो अपनी ट्रेड भी प्रॉफिटेबल चली जाएगी, बट देख लो एंट्री कहाँ पे, अपनी मिडल ऑफ द कैंडल एंट्री है, 1.5 मिनट की ट्रेड है ये। मतलब मुझे लगा था प्रीवियस वाली ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग प्राइस हिट करते ही, मतलब एक्सपायर टाइम, मतलब उसका क्लोजिंग प्राइस जब हिट होने वाला था तो उसी के आसपास मैंने सोच के एंट्री बनाया था, बट एंट्री काफ़ी पहले लग गई, तो यहाँ पे मतलब थोड़ा सा मामला कन्फ्यूज़न भरा हो गया था। ठीक है बट फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेड अपनी बहुत अच्छी तरीके से प्रॉफिटेबल, और देख लो 1300+ डॉलर्स का अपना बैलेंस हो चुका। ठीक है हमने $100 से ग्रो करना स्टार्ट किया और हमने 1300+ डॉलर्स इधर ग्रो कर दिए सिर्फ 4 ट्रेड के साथ में, और जो भी मतलब 8-10 मिनट का टाइम लगा होगा, जो भी टाइम लगा उसी में हमने इसको इतना अच्छा ग्रो कर दिया। ठीक है और आप लोगों को भी सिग्नल चाहिए तो कंपाउंडिंग सेशंस के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो नॉलेज के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। ठीक है।